कोटा राजस्थान में पढ़ रहे मध्य प्रदेश के 6 जिलों के 188 विद्यार्थी बीती रात कोटा से सिंगोली पहुंचे। सिंगोली में उनकी स्क्रीनिंग के बाद उन्हें देर रात नीमच लाया गया। नीमच में अलग अलग स्थानों पर उन्हें ठहराया गया। ये तमाम बच्चे आज सुबह अपने ज़िलों की ओर रवाना हुए। कोटा राजस्थान में पढ़ने वाले ये बच्चे मंदसौर, रतलाम, अलीराजपुर, धार आदि ज़िलों के थे, जो अब तक लॉकडाउन में फंसे हुए थे। इनको लाने के लिए ज़िला प्रशासन और पुलिस ने 10 बसों का इंतज़ाम किया था। लंबे समय से कोटा में फंसे ये बच्चे नीमच और अन्य ज़िलों में जाने के लिए बार बार सरकार से फरियाद कर रहे थे। इसके चलते शिवराज सरकार ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देशित किया कि कोटा से इन बच्चों को लाया जाए, और ये तमाम 188 बच्चे कल रात सिंगोली पहुंचे और उसके बाद नीमच। नीमच में विधायक दिलीप सिंह परिहार भी इन बच्चों से मिलने पहुंचे और इन बसों को इनके ज़िलों की ओर रवाना किया। घर आके बहुत अच्छा लग रहा है। पहले बहुत टेंशन हो रही थी, वहाँ पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी और सब फंसे हुए थे, पर गवर्नमेंट ने यहाँ बुलाया तो हमको बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे भी सब कुछ दिया गया, अच्छे से रखा गया हम लोगों को, और अब यहाँ से घर भेजा जा रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। घर पे मतलब एक हम लोग को स्लिप बना के दिए कि अपने घर पे चिपकानी है और घर से बाहर नहीं निकलना है, 14 डेज तक का वो दिया है। और हम लोगों को फ़ोन में ऐप भी डाउनलोड कराया लोकेशन ट्रेस करने के लिए, तो वही सब है। गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प करी है, तो और राजस्थान गवर्नमेंट ने भी बहुत सपोर्ट किया था और MP गवर्नमेंट ने भी बहुत सपोर्ट किया है। तो कोटा में ये था कि वहाँ पे कोई अब जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहा था किसी की भी, वहाँ पे खाना पीना, और फिर वहाँ पे भी केसेस बढ़ रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा था कि यहाँ रुको, वहाँ से भी जाने को कह रहे थे और फिर हम लोग आ भी नहीं पा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प की। स्लिप में ये लिखा हुआ है कि 14 डेज तक के लिए मतलब क्वारंटाइन, हम बाहर से आए हैं वो सब कुछ, तो कोई भी मिले ना हम लोगों से और हम भी किसी से ना मिलें। परिवार में आके काफ़ी रिलीफ है, टेंशन फ्री है। अब जैसा भी जो भी होगा फैमिली के साथ तो अच्छा लगता है, सपोर्टिव लगता है। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब को कि उन्होंने जो बच्चे एजुकेशन के लिए कोटा गए थे उनको वापस घर पहुँचाने की व्यवस्था की। और हम जब अभिभावक माता पिता को ये चिंता लगती है कि बेटा बेटी जब दूर रहते हैं और उसकी सूद लेने का काम UP के मुख्यमंत्री जी ने किया, तो उसके बाद शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने किया। प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से आज बच्चे अपने घर पर जा रहे हैं, वो वहाँ क्वारंटाइन रहेंगे और वो अन्य लोगों से न मिलते हुए अपने परिवार में ही रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि कोई भी और ये भी आज मैं मांग करता हूँ कि हमारे इंदौर में जो बेटा बेटी पढ़ रहे हैं उनके अभिभावकों के भी फ़ोन आते रहते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मांग करेंगे कि उनके बच्चों को भी लाने के लिए कुछ व्यवस्था की जाए, जिससे कि माता पिता के पास बच्चे हो जाते हैं तो उनको संतोष रहता है। आज हम देख रहे हैं कोरोना जैसी महामारी की वजह से लॉकडाउन चल रहा है। मैं नीमच की जनता से भी अपील करूंगा कि वो अपने घरों में ही रहें और जो प्रशासन ने जो नियम बनाए उनका पूरा पालन करें। टोटल हमारे 177 बच्चे आए हैं, जिसमें से 46 बच्चे नीमच के थे और रेस्ट 131 जो हैं वो अन्य ज़िलों के थे, जिसमें से धार, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर और अलीराजपुर के थे। बाकी सारे ज़िलों के बच्चों को सुबह 9 बजे निकाल दिया गया है। ये रात में करीब रफली 3 बजे तक ये नीमच ज़िले में आए हैं। उससे पहले सिंगोली में इनकी सारी स्क्रीनिंग हुई है और सारे जो उनके सेग्रीगेशन था प्रोटोकॉल के तहत वो कराया गया, तो 3:30 के बजे ये लोग नीमच ज़िले में आए, उनको फिर रुकवाया गया रात में और अभी दोबारा से इनको सब जो प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इनको भिजवा दिया गया। नीमच ज़िलों के बच्चों के लिए हम लोगों ने इनके अलग से आज सुबह भी स्क्रीनिंग कराई है, रात में भी स्क्रीनिंग कराई थी और उसके बाद इनको जो शासन के निर्देश थे कि सार्थक ऐप डाउनलोड करा के ये लोग होम क्वारंटाइन में रहेंगे, तो इन सारों को निर्देश दे दिए गए हैं। पेरेंट्स को भी बता दिया गया है कि इनको 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहना है। वॉइस ऑफ MP के लिए चीफ रिपोर्टर मुश्ताक अली शाह के साथ सिंगोली से महबूब मेव की खास रिपोर्ट।